मध्य प्रदेश के मनावर में साफ सफाई के मुद्दे की पोल खुल रही है। नालियों की सफाई ना होने के कारण गंदा पानी रोडों पर बह रहा है और जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। नगर परिषद द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नगर की यह दुर्दशा है। मनावर नगर परिषद की स्वच्छता की पोल खुल रही है। स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए खर्च बेकार जा रहे हैं। यहाँ नगरवासी सफाई के लिए शिकायत करते करते थक गए हैं, पर नगर परिषद कर्मचारियों और अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। मनावर में जगह जगह कचरे का अंबार, नालियां चौक होकर गंदा पानी रोड पर बह रहा है। मनावर के गली मोहल्ले में कचरे का अंबार लगा हुआ है। समय से नालियों की सफाई ना होने के कारण गंदा पानी रोड पर आ रहा है, जबकि खाली पड़े प्लाटों पर जल भराव की वजह से पानी बदबू मार रहा है, जिससे शहर में तेजी से मच्छर पनप रहे हैं। ऐसे में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी और कचरे के बारे में कई बार शिकायत की गई, फिर भी नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है। मनावर में जगह जगह लगा कचरे का अंबार मामले में इस जब इंदौर संभाग के संयुक्त संचालक अभय राज गवाकर से बात की गई, तो उन्होंने स्वच्छ भारत स्वच्छ मनावर के अंतर्गत नगर में नियमित डोर टू डोर कचरे की गाड़ी जाती है, नियमित रूप से सफाई होने का दावा किया है। सर, स्वच्छता के देखे जाए तो यहाँ स्वच्छता के नाम सिर्फ एक नाम दिखावट नाम है सर। स्वच्छता में कुछ भी नहीं है, करोड़ों रुपये आते हैं, बाकी यहाँ पर स्वच्छता में नाली वगैरह मच्छर वगैरह इतने पैदा है सर कि कुछ भी यहाँ पर कुछ भी देखे जाए तो स्वच्छता का नाम ही है। खाली प्लाटें पड़े हैं, खाली प्लाटों में कितना कचरा भरा हुआ है। गाड़ी अगर आती है तो गाड़ी सिर्फ घर का कचरा लेके जाले चले आती है, बाकी जो खाली प्लाटों में है वो कचरा वहीं का वहीं रहता है। ये स्थिति है यहाँ सर। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी सर बहुत सारी परेशानी है। एक परेशानी तो एक परेशानी हम गिनाए परेशानी क्या, आने जाने वालों को, पैदल चलने वालों को, बच्चों को, सबको परेशानी होती है। कीचड़ इतना हो गया है कि आने जाने में बहुत सारी तकलीफ होती है। इधर गड्ढे है, नालियाँ है, कीचड़, मतलब जहाँ चारों तरफ मतलब बीमारी फैल गई यहाँ पर। ठीक है, रोड क्या नाम है दादा आपका? राजेश विश्वकर्मा, पंचवटी कॉलोनी से बोल रहे हैं। यहाँ नालियों कीचड़ के है सबसे ज़्यादा। पास में प्लाट खाली पड़े, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीचड़ भरे हुए होते हैं और सुबह सुबह निकलने की भी इच्छा नहीं होती है। इतने मच्छर इतनी बदबू मारते हैं तो आदमी बीमार होते हैं। टीवी, टाइफाइड ऐसी बीमारी उनके हस्सर है। हम हर परेशानी में है। हम अच्छा शिकायत नहीं करी इसकी? इनकी चार पांच बार शिकायत कर दी, विधायक के पास भी कर दी थी हमने, बघेल के सामने भी हमने आए थे। यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट चुनाव होते बाद में बोलते हैं कि हम मना देते हैं। नालियों ने अभी तक कुछ भी नहीं है। नगर पालिका तो बोल रही है हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, कोई नहीं है। यहाँ सुबह पहले गाड़ी दो टाइम आती थी नगर पालिका की, अभी 3 बजे आती है, कभी 2 बजे आती है, कभी 12 बजे गाड़ी आती है। अभी आप देख सकते हो कि नालियाँ हैं, मच्छर है, कीचड़ पड़ा हुआ है, बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। और गंदी वाड़ा इतना देखिए, पीछे बहुत सारा गंदी वाड़ा है। जब वर्षा के पानी पूरा जाता था गाड़ी घोड़े भी निकल नहीं पाते, बच्चों को बहुत परेशानी होती है। इसके बाद में मच्छर इतने हो गए कि आए दिन बीमार बच्चे पड़ते हैं, बहुत सारी परेशानी उसमें है। और शिकायत भी करें तो किससे करें, कहाँ से करें? आते हैं तो कोई आते देख के चले जाते, उसके बाद में कोई उसका ऑप्शन नहीं होता। मतलब स्वच्छता अभियान जीरो है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो ना, ऐसा एरियम फ्री सब देख सकते हो, कुछ भी नहीं यहाँ पर। इससे पंचवटी कॉलोनी में यहाँ से ज़्यादा करना तो रोड है ना नालियाँ हैं, पूरा गंदी वाड़ा है यहाँ पर। ठीक है, नाम बता दो। मेरा नाम राजेश कुमार साकले सर। ठीक है। स्वच्छता को लेकर मना रहा हूँ, मेन रोडों पर पूरी नालियाँ पूरी तरह से लगभग जगह चौक है और रोड पर पानी बह रहा है और कचरा देखे जाए मेन रोडों पर पड़ा है। स्वच्छता इसके बारे में क्या? दो तीन चीज़ें हैं इसमें। स्वच्छता एक लगातार सस्टेन कराने के लिए उसको लगातार काम करना होगा। अभी उसके दो तीन पैरामीटर हैं। एक पैरामीटर है सैनिटेशन के अंतर्गत ODA++ कराना, तो वो मनावर नगर पालिका ने ODA++ प्राप्त किया है, जिसमें बेसिकली होता यह है कि हम अपने टॉयलेट्स जो हो पब्लिक टॉयलेट है उनको एक अच्छे स्तर पर रखते हैं और खुले में शौच से मुक्त होते हैं। ये मेरी जानकारी के हिसाब से मनावर में हो गया है। अब जहाँ तक आपने बताया कि सड़कों पर कचरा रहता है, वो उसमें डोर टू डोर कलेक्शन और उसका लैंडफिल साइट तक डिस्पोजल ये उसमें अपेक्षित है। वो पर्याप्त मात्रा में अभी मनावर में हो नहीं पा रहा। अभी मैं ट्रेंचिंग ग्राउंड भी देखने जाऊंगा और उसमें वृद्धि करना। जब घर से कचरा जब उठना 100% घर से दुकानों से होने लग जाएगा तो ये सड़कों पर कचरा दिखना अपने आप बंद होगा। पर ये लंबी प्रक्रिया है और इसमें लगातार नगर पालिका को निर्देशित किया जाएगा करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।